हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो भाई लोग, आज आपका भाई लेके आ गया है इस भाई को, और इस भाई को मैं निकालूंगा, इस भाई पे बनाऊंगा मैं एप्स का वर्कआउट। जो कि इस भाई को एप्स का मतलब बहुत दिन से एक्सरसाइज कर रहा है, बट इसका एप्स का जो डेफिनेशन है वो नहीं होके आ रहा है भाई, पेट कम होके नहीं आ रहा है। तो एप्स का कौन सा एक्सरसाइज करेगा जो भाई अच्छा खासा दिखने लायक एप्स बन जाए। तो आज इसका मैं लूंगा मुश्किल से 6 से 7 मिनट 8 मिनट का वर्कआउट होगा, और इसको 6 से 7 मिनट में वो फर्क डलेगा जो ये 1 घंटे का वर्कआउट करता था, उससे जितना इसको फर्क पड़ेगा उतना ही फर्क इसको पड़ेगा 6 से 7 मिनट के वर्कआउट में। तो आप लोग भी फॉलो करना है भाई एक्सरसाइज तो फॉलो कर सकते हो। एप्स लाना है तो ये सारे एक्सरसाइज काफ़ी है, घर पे करना है बिना इक्विपमेंट के, बिना जिम के कहीं भी स्टार्ट हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए आपको। और सेपरेट एक्सरसाइज है इस 7 मिनट के वर्कआउट को, आप 3 सेट में अगर करोगे तभी आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मॉर्निंग टाइम में कुछ आधे घंटे पहले खा के कार्ब्स लेके, जिससे कि वर्कआउट करोगे तो आप थकोगे नहीं। क्रैम्प्स अगर आ जाता है भाई, थोड़ा देर रेस्ट करना है जरूरी है, क्रैम्प्स के बाद भी आप अगर अपर एक्सरसाइज करते रहोगे। ध्यान से देखो, फॉलो करो एप्स के लिए, तगड़ा एक्सरसाइज बनाना है भाई एप्स तो इसके साथ साथ फॉलो करो, आप लोग भी बेहतर बनो। स्टार्ट करते वीडियो, स्टार्ट करते अपना सर्किट वर्कआउट भाई एप्स तगड़ा करने का, बिल्कुल ही 7 मिनट 6 से 7 मिनट का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी साथ में शुरू हो जाओ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग से 10 रिपीटेशंस। 1 2 3 सर सामने देखना है, कोर स्ट्रेट रहेगा। 4 5 6 7 8 9 10 5 बार और 5 4 3 2 1 3 बार और। चलो, और पहला सेट है, इस तरीके से उसको वार्म कर लेते हैं, उसके बाद अगर काम करेंगे तो जो पार्ट में चाहते हैं उस पार्ट में हमारा काम हो के आएगा। चलो चलो 2 बार और 2 1 रिलैक्स। चलो रिलैक्स, उल्टा लेट जाओ। लाओ दोनों पंख में, यहाँ तक लाओ। 10 रिपीटेशन 10 9 चलो 8। इसको 6 से 7 मिनट में आपको दिखा दूंगा कि कैसे पूरा इसका जो ये यहाँ का जो मसल है, एब्डोमिनल एरिया का जो मसल है, वो पूरा ही शेप में थोड़ा बहुत मतलब कि टाइट दिखेगा। एक 6 से 7 मिनट में तो बन के आता नहीं है, बट डेफिनेशन पूरा आपको जो है लाना है तो सेम एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा 1 महीने तक, बट आपको यहाँ पे फर्क तुरंत ही दिख जाएगा भाई, आपको सामने में प्रूफ दिखाऊंगा। 4 3 2 1 चलो नीचे रखो, इधर हो जाओ उल्टे साइड से ही, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कुछ अपना एक्सरसाइज जो कि आप इधर लेट जाओ सामने रख के। चलो पाँव मोड़ो। अभी आप अपने किसी दोस्त का इस्तेमाल कर सकते, किसी दोस्त को बोलोगे, किसी दोस्त को खड़ाने के लिए, भाई को, जो भी आपका कोई है साथ में, उसको खड़ाने के लिए बोलोगे। और देखो, अभी मैं इसको बताऊंगा कि ये आपका एक्सरसाइज किस तरह करना है। क्रंचेज में ये वेरिएशन डालोगे तो आपको एप्स का कम से कम 15-20 दिन में आपको एप्स आ जाएगा, एप्स आना स्टार्ट हो जाएगा, एप्स पे काम अगर इस तरह से करोगे तो, ठीक है। अभी देखो इसको मैं किस तरह बोलता हूँ, आप लोग भी साथ फॉलो करो। चलो यहाँ पे टच करो दोनों हाथ से। 10 चलो 9 चल 8 स्वतेजी में चलो 7 चलो 6 जो मैं देख कर इसको जिस तरह करा रहा हूँ आप दोस्त को बोलो इसी तरह करेगा, आपका भी तगड़ा तरीके से एप्स बन जाएगा भाई। इक्विपमेंट नहीं है तो खुद का इक्विपमेंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खुद वेरिएशन इस तरह बॉडी वेट का इस्तेमाल करो भाई कि आपको पता चले कि जिम जाने की जरूरत नहीं है एप्स के लिए ऐसे भी जिम जाने की भाई जरूरत नहीं है। 5 बार यहाँ टच करो, चलो 5 चलो तेजी में चलो 4 चलो 3 चलो 2 चलो 1 5 बार और यहाँ पे चल 5 चल 4 3 बहुत अच्छे। चलो देख लो आप लोग साथ में, आप लोग भी फॉलो इसी तरह करना भाई, इसी तरह का सेम एक्सरसाइज अपने भी फॉलो करना है। चलो 1 बार और चलो पाँव दोनों फैलाओ यहाँ पे टच करो, बीच में यहाँ पे टच करो, पूरा अपर एप्स पे काम होगा तुम्हारा, अपर एप्स बेहतर हो गया यहाँ पे। चलो आओ सब दोनों हाथ से यहाँ पे टच करना, इस तरह करके ग्रिप बनाओ, यहाँ पे टच करो यहाँ पे। चलो आओ 10 बहुत अच्छे, चलो 9 तेजी में चलो 8 चलो 7 बहुत अच्छे 6 आप लोग भी देखते रहो भाई लोग, आप बताता हूँ मैं इसका किस तरह हमने एप्स पे काम किया आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो 4 3 2 1 ये मैट से भी भाई बाहर जा रहा है, ठीक है। रिलैक्स करो। इस एक्सरसाइज में देखिए आप लोग भाई ऊपर रखे हैं तो मेन हमारा टारगेट हुआ है कि पूरा का पूरा अपर एप्स, ये ऊपर का जो ये एरिया है इसको टारगेट करने का हमारा मेन टारगेट था, ठीक है। तो क्या किया, जब हाथ ऊपर था तो पूरा स्ट्रेच इस तरह स्ट्रेच जा रहा था, फिर हाथ नीचे रखे इस तरह स्ट्रेच गया, फिर पूरा ही नीचे जमीन पर टच किया तो पूरा ही आप बेंड कर रहे हो, पूरा ही अपने एप्स को ऊपर से क्या कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, फट के एप्स बाहर आएगा आपका। ये सारा एक्सरसाइज अगर करोगे इस तरह का वेरिएशन कोई भी ट्रेनर नहीं बताएगा, लेकिन मैं जो खुद पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो कुछ बंदे पे एक्सपेरिमेंट करके एप्स निकालता हूँ,
वही आप लोगों को बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी रिजल्ट मिले। आप लोग इस वहम में नहीं रहो कि घर पे क्या बनेगा, घर पे क्या ही बनेगा। ऐप्स के लिए ये मशीन मारना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं। खाना अच्छे से खाओ, ऐप्स आपका भाई लाएगा। देखो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे करना। चलो स्टार्ट करो, लेट हो, लेट जाओ, आगे आगे आ गया, ग्राउंड पे नहीं जाओ, पूरा मैट पे आओ, ठीक है। चलो पाँव मोड़ो, पाँव मोड़ो, पाँव ऊपर करो, पाँव ऊपर करो, दोनों हाथ को यहाँ पे लाओ, बस यहाँ पे लाओ, होल्ड करो, ऊपर यहाँ पे लाके होल्ड करो, पाँव को यहाँ पे, हाथ को यहाँ पे लाके होल्ड करो 5 सेकंड तक। चलो ऊपर आओ, 5 4 3 2 1 रिलैक्स। चलो आओ, 5 4 3 2 1 रिलैक्स। चलो 5 4 3 2 1 चलो। देखते रहो आप लोग, भाई आप लोग के लिए मैं साथ साथ सब कुछ करके बता रहा हूँ, इसको भी सब कुछ करा रहा हूँ, और एक्सरसाइज के बाद दिखाऊंगा किस तरह का पंप हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ देख के सिर्फ चले नहीं जाना है भाई, आप लोग को मैं चाहता हूँ आप लोग का भी एप्स बने, आप लोग भी अच्छा फिजिक बने, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो करो आप लोग भी बेहतर बनो भाई। चलो रिलैक्स, आ जाओ, 5 सेकंड चलो, 5 4 3 2 1 चलो साइकिल चलाओ, हाथ पीछे करके साइकिल चलाओ। चलो 10 रिपीटेशन, 10 9 8 7 6 बिल्कुल जो इसको बता रहा हूँ, समझ लो कि आप लोग हो और आप लोग यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हो, और आपने भी सिर्फ आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अपने आप को यहाँ मान के सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करो, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा समझो। और साथ में रूम पे हो, कोई नहीं है, कहीं शर्म आ रहा है बाहर जाने में, रूम में शुरू हो जाओ भाई, गेट बंद करो, लगा के शुरू हो जाओ, ऐप्स आपका तगड़े तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो 10 बार और, 10 9 8 पूरा पाँव खोलो, 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ पे आके होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। इसमें हम क्या करें, थोड़ा लोअर को भी इंगेज करेंगे। चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 साइकिल चलो 10 बार, 10 बार साइकिल, रुकना नीचे नहीं रखना, नीचे नहीं रखना है 10। अगर हमारा कम से कम टाइम का वर्कआउट हुआ, कम मिनट का वर्कआउट हुआ, तो रेस्ट बिल्कुल ही कम रखना है, रेस्ट के लिए टाइम देंगे, सेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद रेस्ट लेना है। चलो 5 4 3 2 1 होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, 5 पाँव में सेपरेशन थोड़ा सा जी, हाँ चलो 5 4 ऊपर, 3 2 1 साइकिल साइकिल, 5 5 5 बार 5 बार, 5 4 3 2 1 3 सेकंड तक होल्ड करो, बस 3 2 1 रिलैक्स करो। चलो अभी पाँव को मोड़ो, पाँव को मोड़ो, पाँव को मोड़ो, अब 1 2 सेकंड 3 सेकंड का रेस्ट चल सकता है भाई, पूरा ही आप अगर इसको निचोड़ देंगे तो। पहला दिन है इसका, पता चला आगे से आया ही नहीं भाई, ठीक है, अभी रनिंग वगैरह थोड़ा बहुत करता है ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, एक पाँव को ऊपर उठाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये इधर ही रहेगा, ठीक है, यहाँ उठाओगे, अब उस हाथ से इसको टच करो, एक, चलो बॉडी हिलना नहीं चाहिए, जितना जितना स्टेबल रखोगे उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। चलो 10, अब 5 बार लगाओ, 5 4 3 2 1 इसको नीचे रखो, इसको ऊपर करो, चलो 10, 5 बार, 5, पाँव सीधा रखो, पाँव के मोड़ो, चलो 4 3 2 1 चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, दोनों पाँव को ऊपर करो, अब सेम चीज़ करो, ऐसे करके यहाँ पे रखो, चलो अब यहाँ दोनों दोनों हाथ साथ में टच करो, 5 4 3 2 1 5 बार और, 5 4 3 2 1 पूरा पाँव सीधा, रिलैक्स करो, थक गए हो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, चलो ज़्यादा टाइम रिएक्शन नहीं करना है, दोनों पाँव, चलो दोनों पाँव साथ में रहो, हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रखो, दोनों पाँव को यहाँ पे लाओ, दोनों पाँव को साथ में रखो, दोनों पाँव नीचे रखो, दोनों पाँव नीचे रखो, जैसे कंसेस कर देते वैसे करो, ठीक है। अभी क्या करो, मैं दिखाता हूँ आपको, कोई किसी को खड़ा करना है साथ में, बोलना है चलो किसी को खड़ा, भाई इस तरह खड़े हो जाओ, हाथ यहाँ पे रखो, मैं टच करूँगा, किससे क्या होगा, ट्विस्ट होगा हमारा डायगोनली, जो हमारा ये एरिया होगा इस पे तरीके से टारगेट होगा। आओ 5 बार टच करो हाथ को, 5, हिलना नहीं है, चलो 4 ऊपर आओ, 3 और ऊपर आओ, 2 एक बार और, 1 चलो इधर आओ, 5 हाथ हाथ जमीन पे नहीं, चलो 4 ऊपर आओ, ऊपर आओ, 3 और आओ, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे, चलो 3 आओ, 2 आओ, 1 चलो 3 बार आओ, 3 चलो, 2 1 इधर से भी आ जाओ, 3 चलो, 2 1 पाँव सीधा, दोनों पाँव सीधा करते रहो भाई, साथ आप लोग साथ से करते रहो भाई, सिर्फ देखना नहीं है। चलो पाँव ऊपर उठाओ, यहाँ पे लाओ साइड, दोनों पाँव साथ में उठाओ, दोनों पाँव साथ में कंबाइन करो, क्लोज करो, यहाँ पे लाओ, दोनों पाँव को यहाँ पे लाओ, बस यहाँ पर होल्ड करो, 10 9 और ज़्यादा ट्विस्ट करो, 8 7 6 5 4 3 2 1 इधर लाओ, 10 9 8 ऊपर का बॉडी वही रहेगा, 8 7 6 5 4 3
2 1 अब 5 बार साइड से एक साथ 7 स्पीड में लेके आओ, चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होल्ड करो इधर होल्ड करो, चलो होल्ड करो 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 इधर एक बार होल्ड करो, ख़त्म करो 5 4 3 2 1 बहुत अच्छे। अब आ जाओ प्लैंक्स पे आ जाओ ठीक है, प्लैंक्स पे आ जाओ। प्लैंक्स किस तरह करते हो, चलो ग्राउंड पे आओ, ग्राउंड पे खड़े प्लैंक्स ऐसे करोगे, खड़े हो गया इस तरह करो, यहाँ पे आओ ऐसे करके ग्राउंड पे रखो ऐसे। हाँ चलो पीछे जाओ। अब इस पांव को क्या करना है, पूरा ऊपर उठाना है ठीक है, यहाँ पे लाना है फिर पूरा ऊपर उठाना है, ऐसे नहीं देखो ये है ना, इसे करके तुम प्लैंक्स कर रहे हो ठीक है। इस पांव को यहाँ लाना है, पूरा पीछे उठाना है, यहाँ लाना है पूरा पीछे उठाना है। चलो लोअर वाला हिस्से को टाइट करें थोड़ा सा, लोअर वाला हिस्सा बहुत मुश्किल से कम होता है। चलो ऊपर उठाओ, ऊपर ऐसे करके ऐसे ऊपर उठाओगे, चलो 10 9 बहुत अच्छे, 8 बहुत अच्छे, 7 6 5 चलो बहुत अच्छे, 4 3 2 1 दूसरे साइड से, इस साइड से चलो, ये पाँव को सीधा करो, पाँव सीधा करो हाँ चलो पाँव सीधा करो इसको, चलो अब करो इसे करो, पाँव सीधा करो वो, चलो अब करो पाँव सीधा करो, इस पाँव को सीधा ही रखोगे, इस पाँव को क्यों जमीन ग्राउंड पे रख रहे हो, सीधा करो इसको चलो अब इसे करो, कहीं नहीं जाएगा। अरे ये देखो ये इस पाँव से कोई हेल्प ही नहीं लेना, इसका काम है तो इस पाँव को क्यों नीचे रख रहे हो ग्राउंड पे। हाँ चलो ऊपर उठाओ क्लोज करो, थोड़ा ऊपर लेके जाओ, ये करो ऊपर लेके जाओ, कैसे नहीं हो रहा है, 6 5 4 3 2 1 अभी वॉकिंग प्लैंक्स करो, प्लैंक्स पे आओ, वॉकिंग प्लैंक्स इस तरह से देखो, ऊपर आना है इस तरह ठीक है, करो पाँव पीछे सीधा करो चलो ऊपर आओ, इस तरह से ऊपर आओ, फिर प्लैंक्स की पोजिशन में ऊपर आओ, इस तरह करके लगाओ 20 बार, तेजी में सिंपल प्लैंक्स नहीं कि ज़्यादा टाइम दोगे इस पर, बहुत अच्छे चलो कट बनाते रहो किसी का कॉल आया हम कट कर देते हैं भाई साहब, चलो बहुत अच्छे 5 4 3 2 1 अब खड़े हो, दिखाओ भाई को क्या आउटपुट आया, क्या रिजल्ट आया इस सारे एक्सरसाइज का, थक गए हो पूरा पसीना पसीना हो गया, ये स्वेटिंग देख लो भाई, स्वेटिंग दिखा दो एक बार, वैसे करके मुंह पूरा ऐसे करके करो, थक गए हो पूरा, अब ये लो माइक लो, अब बताओ किस तरह क्या कौन सी किस चीज़ का एक्सरसाइज किया है, कैसा रिजल्ट, एब्स का एक्सरसाइज किया, ऊपर करो बताओ, एब्स का एक्सरसाइज किया, बहुत फर्क पड़ रहा, दर्द हो रहा है सब जगह, मसल ट्रेट कर रहा है, यही एरिया कवर हुआ है ना पूरा, मसल ट्रेट कर रहा है इस जगह को, देख रहे हो आप लोग भाई एब्स का क्या, और क्या लगता है इससे एक्सरसाइज करोगे महीने भर तक का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ जिम जाने की जरूरत है, जिम जाने की जरूरत नहीं है, होम वर्क जिम तरह का रिजल्ट मिल सकता है करेगा तो ना, हाँ चलो ठीक है, देख लिया भाई का किस तरह से, मतलब क्या बोलते हैं आपको 100% रिजल्ट मिलने का गारंटी भाई भी दे रहा है और मैं भी दे रहा हूँ, तो करो, और भाई भी किया आज पहला दिन किया है, अच्छा लगा एक्सरसाइज करके वर्कआउट करके, जी रनिंग वगैरह करता था भाई, आज एप्स का मैं इसको वर्कआउट कराया हूँ तो आप लोग को तो साथ में कराता ही रहता हूँ, तो ये वेरिएशन ट्राई करो, एप्स बनाना है तो बेहतर से बेहतर एप्स बनेगा, इंस्टा पे पूछना गौरव द फिटनेस क्राम, तो इंस्टाग्राम में एप्स बनाने का है तो ये एक्सरसाइज देखो, मिलते हैं।